आज के इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो घर में होम थिएटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, अगर उनके पर्दे अगर फट जाते हैं तो उनको हम डोमेस्टिक यानी घर पर ही कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आप मार्केट में जाके अपना जो पैसा है काफ़ी वेस्ट कर दोगे और घर पे आप उसको इजीली कम कॉस्ट में आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से एक 8 इंच का एक वूफर है, स्पीकर है, इसके लिए हम यहाँ पे इसका पर्दा बांधेंगे, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इनके जो इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दिस इज़ अ कॉइल, ये एक कॉइल होती है, इसको हम कैप के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज अ स्पाइडर और ये एक आपका पर्दा होता है, इसको हम पर्दे के नाम से जानते हैं, ऊपर इसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर इन सब इक्विपमेंट्स को आपके मार्केट में 40 से 50 रुपए की प्राइस में ये आसानी से मिल जाएंगे, आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसमें इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी जो कोर है इसको हम साफ़ कर लेते हैं। चलिए साफ करते हैं इसको। ये साफ करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो फेमिकॉल है वो अच्छे से पकड़ कर लेगी। इसके बाद और एक चीज़ का आपको और ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आप एक कपड़ा रखें या किसी चीज़ का रख दें ताकि इसमें अंदर डस्ट ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको अच्छे से रफ कर लिया है, साफ़ कर लिया है ताकि तो अब यहाँ पे जो ब्लेड के थ्रू हम इसको यहाँ पे इस पर रख कर इसके अंदर कोई कचरा डस्ट हो तो उसको हम आसानी से बाहर कर लेते हैं ताकि स्मूथ नेस अच्छी से बनी रहे। तो आप इसको इस तरीके से रफ कर सकते हैं ब्लेड डाल के, किसी प्रकार की डस्ट अंदर नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुका है ये। अब इस कॉइल को आप किसी गोल चीज़ को इसमें डाल के और इसके अंदर का जो शेप है अगर किसी प्रकार का बैंड आ रहा हो तो उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका बैंड निकाल लेते हैं पहले। तो जैसा कि ये कॉइल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं इस कॉइल को ऊपर से आप या नीचे से किसी भी तरीके से इसको आप फंसा दो। इसके अंदर तरीके से दोनों वायर को बड़ी सावधानी से आपको निकालना है और इसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिट करने के बाद इस वाले हिस्से को अंदर डालना है अपन को स्पीकर के फेस में, चल चुका है। ठीक है, अब इसको आप इसको थोड़ा अंदर जाने देंगे और इसको इस तरीके से अपन को यहाँ पे चिपका देना है फेमिकोल के सहायता से। ये जो बॉल फिक्स है आपके पास में 5 रुपये की 10 रुपये की आपको मार्केट में इजी वे में मिल जाएगी, तो इससे आप इसको अच्छे से अब यहाँ पे चिपका के आधे से एक घंटे के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पाइडर को सेट कर दिया है अच्छे से और यहाँ पे ब्लेड लगा दिए मैंने ताकि अपनी जो कॉइल है वो फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको फेविक्यूब को अच्छे से फैला देता हूँ सब जगह। फेविक्यूब को आप अच्छे से बहुत ही तसल्ली से लगाएं ताकि आपको जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल ये अच्छे से चिपकना चाहिए और अपना हिस्सा। मैं इसको अच्छे से फेविक्यूब को लगा देता हूँ। तो अब इसके साथ में हम यहाँ पे इस पर्दे को भी लगा देते हैं, दोनों वायर को ऊपर निकाल के अच्छे से इसको इस पर सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फुली अब चिपक चुका है अच्छे से। अब इन वायरों को कनेक्शन करने से पहले आप इसको माचिस से जला लें या फिर ब्लेड से इसका इंसुलेशन हटा लें, क्योंकि क्या होता है इनके ऊपर एक इंसुलेशन लगा होता है, जब तक आप उनको हटाओगे नहीं तब तक ये अपना
प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपने डायरेक्ट इससे कनेक्शन कर दिया तो किसी काम का नहीं रहेगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। तो हम पहले इसको इसका इंसुलेशन को हटा लेते हैं। इसका इंसुलेशन हटा लें आप, इसके बाद इसके कनेक्शन को चेक कर लें प्रॉपर कंडीशन में यानी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो वायरिंग की जो है उसको होल्ड कर लें ताकि अच्छे से इसका वाइब्रेशन ना हो, किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट ना हो और अच्छे से वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसका शोल्डिंग अच्छे से हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसके भी हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, इसको भी पहले हम उधर से निकाल लेते हैं तो बने रहे। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड टर्मिनल है उसको भी हम इस तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो और अच्छे से आपको साउंड का आनंद आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर इन टर्मिनल्स को इन टर्मिनल्स में जोड़ते हैं, ठीक है। और हमारा जो स्पीकर है वो तैयार हो चुका है। आफ्टर ऑल कनेक्शन करने के बाद इसका जो केप है इस केप को हम इसके ऊपर लगा देंगे। उस तरीके से कंप्लीट हमारा जो है इसका कनेक्शन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अपना जो है बूफर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम एम्पलीफायर से इसके कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं, जिसके वायर हैं, ठीक है। और इसके कनेक्शन एम्पलीफायर के द्वारा हमने यहाँ पर कर दिए हैं, दिस इज़ एम्पलीफायर। और हम इसके सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं, चलिए बेस बढ़ाइए। First a thousand, and we'll grow in number. Few but them to see the horizon. First a thousand, and on we'll go through the wastelands, through the highways, through the shadows. So I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड और वीडियो को लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।